हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू पीकेटी एजुकेशनल अपडेट चैनल। और जो चैनल पर पहली बार आए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि एग्जाम से रिलेटेड सभी न्यूज आपको टाइम पे मिल सके। और अभी मैं सभी सब्जेक्ट के क्लास 10 के इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन आंसर आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ। और भी एग्जाम के टाइम पर मैं लाइव वीडियो लेकर आऊँगा और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। तो आप लोग चैनल से जरूर जुड़े रहिए ताकि टाइम टाइम पर आपको भी न्यूज प्रॉपर मिल सके। और स्टूडेंट्स, हम 2021-22 के एनुअल एग्जाम के लिए यहां पर सामाजिक विज्ञान के, सोशल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। आपको इसके अलावा भी करना है, पर मैं जो बता रहा हूं वो परफेक्ट आप लोगों को याद हो जाना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में काफी दिक्कत जाती है बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए। तो मैंने वीडियो भी बनाया कि किस तरह आपको एमपी बोर्ड के एग्जाम में लिख कर आना है, आपकी कॉपी कैसे चेक होती है। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक देख सकते हैं वीडियो की, और उनको जरूर देखिएगा। तो यहां पर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ज्योग्राफी की, जो क्लास 10th में है, और इसमें क्या क्या पोर्शन आप लोगों को करना है तो वो हम देखते हैं। वो पूरा वीडियो स्टूडेंट बिना स्किप किए देखिएगा। टोटल आपके 7 चैप्टर हैं ज्योग्राफी में, जिसमें से ऑब्जेक्टिव सभी से आना है। 32 इस बार ऑब्जेक्टिव आएंगे आपको, और टोटल 80 नंबर का पेपर आएगा। और जो आंसर क्वेश्चन हैं वो सब चैप्टर से नहीं है, तो आप लोगों को जो चैप्टर से हैं उसी में मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। तो यहाँ पहला चैप्टर आप देखेंगे रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, इसमें आंसर क्वेश्चन करना है आपको। इसके बाद फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज है, वाटर रिसोर्सेज में से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। एग्रीकल्चर से करना है, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स से आएगा, फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इससे करना है। 7 चैप्टर से कोई नहीं आएगा, बाकी ऑब्जेक्टिव सभी से आएंगे। तो देखते हैं किस किस चैप्टर से कितने नंबर का और कौन से क्वेश्चन आंसर करना है। कुछ अलग भी इंटरनल भी मैंने बताया वो भी करना है। तो फर्स्ट चैप्टर में देखते हैं स्टूडेंट्स, इसमें 4 नंबर है, इसमें तो 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव और 1-2 नंबर का ही क्वेश्चन आना है। तो वो 2 नंबर में आप क्या क्या तैयारी करना है वो देखिएगा। तो सबसे पहला सेकेंड का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये तो आप लोगों को करना ही है। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पर लिखवाए हैं, व्हाट इज एजेंडा 21 एंड एक्सप्लेन सॉइल इरोजन, ये आपको करना है। इसके बाद शॉर्ट नोट्स करना है, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल और एरिड सॉइल, इनके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। सेकेंड चैप्टर पर चलते हैं, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स, और इसमें सीधे हम स्टूडेंट देखते हैं तो आप लोगों को 4 मार्क इसमें भी है, 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव और 1-2 नंबर का क्वेश्चन ही आएगा। तो वो कौन कौन से करना है, पेज नंबर 22 पे आप देख सकते हैं, फोर्थ का फर्स्ट सेकंड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अलग से आप लिखेंगे इसमें शॉर्ट नोट, क्योंकि अंदर से भी आते हैं। तो एसिटिक चीता, जो एशियाई चीता था हमारे यहाँ, उसके बारे में, द हिमालय एप, प्रोजेक्ट टाइगर और एक्सप्लेन फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ये आप लोगों को इसमें से तैयार करना है। वाटर रिसोर्स से कोई आंसर क्वेश्चंस नहीं करना है। चैप्टर 4 पे चलते हैं, एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर में स्टूडेंट 3 मार्क हैं, जिसमें 1 ऑब्जेक्टिव 2 मार्क का क्वेश्चन से क्या करना है वो देखते हैं। तो इसमें सीधे हम चलते हैं पेज नंबर 46 पे, इसमें सेकंड का सेकंड आप लोगों को करना है। इसके बाद अलग से आप लोग लिखेंगे, नेम द इम्पॉर्टेंट रबी एंड खरीफ क्रॉप्स ऑफ इंडिया, और राइट शॉर्ट नोट ऑन रबर, कॉटन, शुगर केन, हार्टिकल्चर क्रॉप्स, बाजरा और मेज, इनकी तैयारी आप लोगों को करना है। फिर अगला जो चैप्टर है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स, इसमें सबसे ज़्यादा नंबर है आपको, 8 मार्क हैं, 1 ऑब्जेक्टिव आएगा और 1 3 मार्क का क्वेश्चन और 1 मैप आएगा इसमें से। तो देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। सीधे पेज नंबर 62 पे चलते हैं, और इसमें आप सेकेंड का फर्स्ट और ये ए बी दोनों करना है आपको। इसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है थर्ड का सेकंड, और फिर आप सीधे यहाँ पर इंडिया जो मैप है उसमें क्या क्या आपको बनाने के लिए आएगा, क्योंकि 4 मार्क का मैप है चैप्टर से। तो पावर प्लांट्स बनाने के लिए आएंगे, इसके बाद कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स और इम्पॉर्टेंट मिनरल्स, इनको बताने के लिए आएंगे। बुक में दिए भी हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से, ये एक मैप दिया, टोटल 3 मैप ही हैं और इसी में से आएगा ये। आप लोग प्रॉपर बना के देख लें सब जगह कहाँ कहाँ मिनरल्स पाए जाते हैं, एनर्जी रिसोर्स कहाँ पर है इंडिया में, वो भी आप लोगों को बताएंगे। तो इस चैप्टर से इतना है। इसके बाद हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है इसमें देखते हैं चैप्टर 6 में, और इसमें 4 मार्क हैं, जिसमें 1 ऑब्जेक्टिव और 1 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो वो क्या है देखते हैं, नंबर 77 पे चलिए, और यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसमें जो सेकेंड है इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सभी आप लोगों को अच्छे से करना है। थर्ड का सेकंड करना है, और इसके बाद अलग से लिखना है एक्सप्लेन थर्मल पॉल्यूशन एंड नॉइस पॉल्यूशन, इसके बाद एक्सप्लेन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री,
ये आपको अलग से नोट करना है। और फिर जो लास्ट चैप्टर है हमारा लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ये हट चुका है, इसमें कोई आंसर क्वेश्चन नहीं है, ऑब्जेक्टिव जरूर रहेंगे। तो ये हमने देखा ज्योग्राफी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, हम हिस्ट्री में देखते हैं अब स्टूडेंट। तो हिस्ट्री में देखते हैं स्टूडेंट्स, इसमें टोटल 3 सेक्शंस हैं, जिसमें सेक्शन फर्स्ट में ऑब्जेक्टिव तो सभी से आना है, बट जो आंसर क्वेश्चन है वो केवल सेकेंड पार्ट से आएगा, नेशनलिज्म इन इंडिया। उसके बाद यहाँ सेकेंड जो सेक्शन है उसमें से द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, और फिर प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड जो थर्ड पार्ट है सेक्शन है उसमें से आएगा। तो देखते हैं, तो नेशनलिज्म इन इंडिया, इसमें स्टूडेंट टोटल जो है वो आपको 6 मार्क हैं, 2 नंबर के जो है वो ऑब्जेक्टिव रहेंगे, और एक 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा, ऐसे टाइप आएगा इसमें हुआ है। तो यहाँ आप लोग पेज नंबर 50 पे देखेंगे, तो फर्स्ट का BCD आपको करना है, सेकंड वाला भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर थर्ड का ए भी, दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जलियांवाला बाग और साइमन कमीशन। इसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आप लिखेंगे स्टूडेंट, एक्सप्लेन डांडी मार्च जो साल्ट मार्च है उसके बारे में। अगला फिर क्वेश्चन है, व्हाई डिड गांधी जी लॉन्च द सिविल डिसओबीडेंस मोमेंट, ये आपको करना है। फिर एक्सप्लेन नॉन कोऑपरेशन मोमेंट एंड क्विट इंडिया मोमेंट, ये अलग से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करना है, सेक्शन सेकंड का फर्स्ट पार्ट नहीं है। द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, और इसमें 7 मार्क हैं, जिसमें 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव हैं, एक 2 मार्क का और एक 3 मार्क का क्वेश्चन है। तो हम चलते हैं सीधे पेज नंबर 102 पर, और इसमें फर्स्ट का ABCD ये आप लोगों को करना है, इसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन करना है, और फिर राइट शॉर्ट नोट आप लोगों को लिखना है, मैनचेस्टर कम्स टू इंडिया, द्वारकानाथ टैगोर, स्मॉल स्केल एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, इसके बारे में आपको बताना है। इसके बाद जो स्पेनिंग जेनी है, व्हाट इज स्पेनिंग जेनी, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में आप लिखेंगे। हु वर गोमस्ताज, व्हाट इज फ्लाइंग शटल, और व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट ऑन द इंडस्ट्रीज, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन इंडियन इंडस्ट्री मॉडर्न वर्ल्ड, इसमें देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है। और इसमें स्टूडेंट टोटल जो नंबर हैं वो आपके हैं 4 मार्क हैं, 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव हैं, और एक 2 नंबर का क्वेश्चन सी आएगा इसमें से। नंबर 128 पर फर्स्ट का ए बी करना है, डी करना है, डी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सेकेंड का फर्स्ट, ए बी सी, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और थर्ड का व्हाट डिड द स्प्रेड ऑफ प्रिंट कल्चर इन 19th सेंचुरी इंडिया मीन्स टू वुमेन, इनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा वो देखना है, थर्ड फोर्थ करना है। इसके बाद एक्स्ट्रा लिखना है आपको, हाउ डिड प्रिंट कम टू यूरोप फ्रॉम चाइना, व्हाट इज प्लाटेन, फिलो भारत का सबसे उभरता हुआ ऐप जिसे काफ़ी स्टूडेंट पसंद कर रहे हैं। आपके कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा हो JEE या IIT लेवल का या नीट लेवल का, तो आप 24/7 आवर्स में कभी भी आप पूछ सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से। आप जो भी सवाल पूछना चाहें उसकी फ़ोटो खींचकर आप सीधे भेज सकते हो, लाइव वीडियो के माध्यम से भी सवाल को पूछ सकते हैं। बहुत इजी स्टेप में आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी, आप वहां से डाउनलोड करें या गूगल प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है यहाँ पर किसी भी सवाल को पूछना, कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक हमारे काफ़ी अच्छे एक्सपर्ट हैं, और जो लाइव आपके आंसर क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है, अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट, इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220, तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर पंचांग एंड चेपबुक, और हूँ बाज लक्ष्मीनाथ बेजू बरुआ, हु वाज लक्ष्मीनाथ बेजू बरुआ, इनके बारे में लिखना है। विच वाज द फर्स्ट बुक प्रिंटेड बाय गुटेनबर्ग, एक्सप्लेन एनी 3 फीचर्स, ये आप लोगों को बताना है। तो स्टूडेंट ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी में मैंने इंपॉर्टेंट यहाँ पर आप लोगों को बताए हैं, जो बहुत अच्छे से आप लोगों को करना है। वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं बाकी 2 सब्जेक्ट के जो इसके पार्ट हैं, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, उनके अगले वीडियो में मैं इंपॉर्टेंट बताऊँगा। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।